पाकिस्तान आर्मी चीफ राहिल शरीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। राहिल के रिटायरमेंट जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान आर्मी का नया चीफ कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तेज होने लगी है। पाकिस्तान आर्मी के चार टॉप जनरलों में राहिल शरीफ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और टॉप चार जनरलों में से अगला सेनाध्यक्ष चुनने के लिए गेन नवाज शरीफ के पाले में है। राजनीतिक खेमों में हो रही चर्चा के अनुसार मुल्तान कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम अहमद अगले सेनाध्यक्ष हो सकते हैं। इशफाक नदीम को काउंटर टेररिज्म में महारत हासिल है। सूत्रों की माने तो जनरल राहिल शरीफ के उत्तराधिकारी के बारे में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहले ही मन बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने फैसले को सार्वजनिक नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद की नियुक्ति स्टाफ कमेटी के संयुक्त प्रमुखों के अध्यक्ष पद पर होने की संभावना है। जनरल इशफाक के अलावा पाक सेना के स्टॉप पोस्ट की रेस में शामिल अन्य लोगों में बहावलपुर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमादी और महानिरीक्षक ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा भी शामिल हैं। सभी चारों जनरल पाकिस्तान सैन्य एकेडमी के 62वें बैच के हैं, लेकिन उनके करियर की विधाएं अलग अलग हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जारी आतंकवाद विरोधी अभियान को पूरा करना नए सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। इस संदर्भ में नवाज शरीफ की पसंद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि नए सेनाध्यक्ष को सेना की आतंकवाद रोधी जिम्मेदारी से सीमा सुरक्षा की उसकी पारंपरिक भूमिका में बदलाव की निगरानी करनी होगी। गौरतलब है कि रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय से बिना किसी अनुशंसा के रक्षा मंत्रालय के जरिए प्रधानमंत्री को शीर्ष जनरलों की सूची भेजे जाने के साथ नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद फैसले की घोषणा से पूर्व प्रधानमंत्री निवर्तमान सेनाध्यक्ष के साथ अनौपचारिक मशवरा करेंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।